रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 75,000 करोड़ और आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में की जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट पे नजर डालने से पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज के सेशन का डेट 11th of February 2023 है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत अपने 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के दौर में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 की शुरुआत 10th of February 2023 से की गई है। इसमें विश्व की बहुत सारी कंपनियों की उपस्थिति होगी। इस समिट के शुभारंभ में ही इंडिया के दो बड़े दिग्गज की उपस्थिति देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की उपस्थिति देखी गई। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में $270 बिलियन GDP के साथ चौथे स्थान पर अपने जगह को बना रखी है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस में भी उत्तर प्रदेश आगे है। उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में अपने आप को 5th रैंक पे रखती है। इन सभी के कारण उत्तर प्रदेश आज इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। भारत का सपना 2024-25 का 5 trillion इकोनॉमी का है। इसे पूरा बिना राज्यों के विकास के नहीं की जा सकती है। भारत की आधी राज्यों ने $1 trillion की इकोनॉमी का सपना देखा है जिसे पूरा 2027 तक करना है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने भी $1 trillion के सपने को साकार करने के लिए 2027 तक का समय लिया है। इसको पूरा करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले दिन ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा की गई है। 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट RIL के द्वारा डिफरेंट सेक्टर में 4 सालों में की जाएगी, जिससे UP में 1,00,000 जॉब भी निकलकर सामने आएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कमिटमेंट के आधार पे इन्वेस्टमेंट 4 पिलर्स में की जाएगी। पहले पिलर के अनुसार जियो December 23rd तक राज्य के हरेक गांव और शहर में 5G के नेटवर्क को फैला दी जाएगी। वहीं मुकेश अंबानी के कहने के आधार पे जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा बिजनेस इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सोशल सेक्टर और गवर्नेंस को मॉडर्नाइज भी की जाएगी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह भी कहा कि यूपी में 2 नए इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर्स के पायलट को भी लॉन्च की जाएगी, जिससे मोस्ट अफोर्डेबल और टॉप क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रदेश के गांव से लेकर शहर तक फैलाई जा सकेगी। वहीं रिलायंस रिटेल और मेट्रो इंडिया के रिटेल आउटलेट की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इसके साथ न्यू एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्री 10 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बायो एनर्जी बिजनेस की शुरुआत भी करेगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। वहीं दूसरी ओर आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की गई है। कमिटमेंट को बिरला ग्रुप के द्वारा सीमेंट, मेटल, केमिकल, फाइनेंशियल सेक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर पूरा की जाएगी। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में बिरला ग्रुप की इन्वेस्टमेंट 40,000 करोड़ की है, जिससे 30,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आदित्य बिरला ग्रुप के नए प्रयास से उत्तर प्रदेश का सपना साकार होते दिख रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करें। थैंक यू। थैंक्स।